विक्की डोनर से बाला तक कामयाबी ही कामयाबी। बॉलीवुड की नई हिट मशीन आयुष्मान खुराना। अभिनेता आयुष्मान खुराना ने 7 साल पहले बॉलीवुड में कदम रखा था। बीते 2 सालों में उन्होंने ठीक इतनी ही संख्या में हिट फिल्मों से दर्शकों का मनोरंजन भी किया है। आयुष्मान की 13 फिल्मों में से 9 फिल्में हिट रही हैं। आयुष्मान की फिल्म बाला ने रिलीज के पहले दिन 10.15 करोड़ रुपए की कमाई की, जो कि उनकी बाकी फिल्मों के मुकाबले सबसे अधिक है। वहीं बाला से पहले आई फिल्म ड्रीम गर्ल ने भी ओपनिंग डे पर 10.05 करोड़ रुपए की कमाई की थी। उनकी पहचान एक ऐसे अभिनेता के तौर पर बन चुकी है जो ऑफबीट भूमिकाओं में पारंगत हैं। आयुष्मान खुराना बॉलीवुड में एक हिट मशीन के रूप में उभरे हैं। विक्की डोनर से 2012 में किया था डेब्यू अभिनेता ने साल 2012 में सुजीत सरकार की विक्की डोनर के साथ हिंदी फिल्म जगत में प्रवेश किया था। उन्होंने अपने आकर्षण और स्क्रीन पर अपने शानदार प्रदर्शन से बहुत जल्द दर्शकों का दिल जीत लिया। स्पर्म डोनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से जुड़ी धारणा पर आधारित इस फिल्म को बनाने में 5 करोड़ रुपए का बजट आया था। इसने 65 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद आई उनकी फिल्म नौटंकी साला, बेवकूफियां, हवाई दादा, मेरी प्यारी बिंदु दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, लेकिन दम लगा के हईशा ने सफलता के कदम चूमे। अभिनेता को जोखिम भरी भूमिकाएं निभाना रोमांचित करता है। वहीं एक के बाद एक हिट फिल्में देने से रोमांच और बढ़ता है। फिल्मों के अलग चुनाव पर क्या बोले आयुष्मान। हाल ही में मीडिया से मुखातिब होने के दौरान आयुष्मान ने कहा था, मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन जब आप एक के बाद एक हिट फिल्में देते हैं तो आपके फिल्म के निर्माता यह सोचकर आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी उस फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर अच्छी रहेगी जिसमें मैं काम करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से सफल फिल्मों का हिसाब बनने के बाद आप अधिक निडर और अधिक आश्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका पिछला चयन सही साबित हुआ है। यह आपको अधिक जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करता है। बीते 2 सालों में एक से बढ़कर एक हिट फिल्म। बीते 2 सालों में अभिनेता ने बरेली की बर्फी 2017, शुभ मंगलवार सावधान 2017, अंधाधुंध 2018, बधाई हो 2018, आर्टिकल 15 2019, ड्रीम गर्ल 2019, बाला 2019 जैसी एक्सपेरिमेंटल फिल्में दी जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अगर अभिनेता के फिल्मों की कमाई के बारे में बात करें तो उनकी बरेली की बर्फी, जिसके निर्माण में करीब 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, उसने रिलीज के पहले हफ्ते में ही 18 करोड़ रुपए का व्यापार कर लिया था। जबकि बहुत ही कम बजट में बने शुभ मंगलवार सावधान ने 41.9 करोड़ रुपए का सिर्फ घरेलू व्यापार किया था। बजट कम, कमाई ज्यादा। वहीं अंधाधुंध ने न सिर्फ घरेलू बाजार में बेहतर प्रदर्शन किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार व्यापार किया। 95.63 करोड़ की लागत से बने इस फिल्म ने अब तक 300 करोड़ रुपए से भी अधिक का व्यापार किया है। आर्टिकल 15 जो इस साल 28 जून को रिलीज हुई थी, उसने 63.05 करोड़ रुपए का घरेलू व्यापार किया है। वहीं सितंबर 2019 को रिलीज हुई फिल्म ड्रीम गर्ल 139 करोड़ रुपए के व्यापार के साथ